कि जब हम अनपढ़ थे तो हम गांव में रहते थे, जब हम अनपढ़ थे तो हम गांव में रहते थे, हम पढ़े लिखे हो गए तो तनाव में रहते हैं। जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे, बिजली नहीं होती थी उस वक्त, महसूस करेगा अगली पंक्ति पर, जब हम अनपढ़ थे तो अंधेरे में रहते थे, हम पढ़े लिखे हो गए तो लोगों को अंधेरे में रखने लग गए। जब हम अनपढ़ थे तो अपनों के लिए जीते थे, परिवार ही सब कुछ होता था, जब हम अनपढ़ थे तो अपनों के लिए जीते थे, हम पढ़े लिखे हो गए तो अब बस सपनों के लिए जीते हैं। हम अनपढ़ थे तो रिश्तेदार होते थे। अगली पंक्ति पर अगर महसूस हो जाए कि मैंने कुछ अच्छी बात कह दी है तो आपकी तालियां मिले। जब हम अनपढ़ थे तो केवल रिश्तेदार होते थे, हम पढ़े लिखे हो गए तो अब रिश्तेदार भी दूर के हो गए। जब हम अनपढ़ थे तो पैसा घर के एक मुखिया के पास होता था और सब सुखी होते थे, हम पढ़े लिखे हो गए तो आज पैसा सबके पास है लेकिन सुखी। जब हम अनपढ़ थे तो परिवार ही बैंक बैलेंस हुआ करता था, हम पढ़े लिखे हो गए तो बैंक बैलेंस के चक्कर में परिवार का बैलेंस ही खो गया। देखिए, अनपढ़ों ने हमें दिया बहुत कुछ है, लिया कुछ भी नहीं है। आपका ध्यान चाहता हूं, अनपढ़ों ने हमें दिया बहुत कुछ है, लिया कुछ भी नहीं है। हम वो आखिरी पीढ़ी हैं साहब जिनकी माओ का सोशल मीडिया पे अकाउंट ही नहीं है। कितनी अच्छी बात है। अंतिम दो पंक्तियां कह करके आपसे विदा चाहता हूं। आपको लगे अगर रोहित शर्मा ने अच्छी ओपनिंग कर दी हो तो मुझे तालियों से विदा कर देना कि जहां हर इंसान भोला है, मन का सच्चा है, दिल साफ है, जहां हर इंसान भोला है, मन का सच्चा है, ऐ शहर तुझसे तो मेरे अनपढ़ों का गांव ही अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।